में बदला मौसम का मिजाज। पटना समेत सूबे के कई जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश, आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत। नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं वी न्यूज 24। पेश है सीतामढ़ी से संजू और पटना से राजकुमार की रिपोर्ट। राजधानी पटना समेत सूबे के कई जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश, वहीं कई इलाकों में तेज तूफान के साथ हो रही बरसात की वजह से जनजीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत की भी खबर है। वहीं इस बारिश से किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। इस आंधी बारिश से किसानों की बची उम्मीदें भी अब पूरी तरह से खत्म हो गई है, क्योंकि खेतों में लगी उनकी फसल अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मोतिहारी जिले में बारिश के दौरान वज्रपात से कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के चांद मोहन गाँव में परवेज नामक युवक वज्रपात के चपेट में आया। वहीं तुरकोलिया प्रखंड क्षेत्र के हरदैया गाँव में वज्रपात से सकल पासवान व हरेंद्र पासवान गंभीर रूप से घायल हो गए। मौसम विभाग के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत में आ रहा है, जिसकी वजह से बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला है। शुक्रवार को आंधी के साथ बारिश होने की मौसम विभाग ने पहले अलर्ट जारी कर दी थी। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में 2 मई तक बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान लगाया है। मौसम की बेरुखी एवं लगातार हो रही बारिश से क्षेत्र में फसलों की बड़े पैमाने पर क्षति हुई है, खासकर गेहूं की फसल पर इसका व्यापक असर पड़ा है। बहुत अधिक मात्रा में गेहूं की फसल खेतों में है और दोनी के इंतज़ार में बुरी तरह भीग गई है। सभी प्रखंडों में हुई बारिश भारी वर्षा से किसानों के गेहूं और मकई के फसल को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। जानिए जिलों के मौसम का हाल। दरभंगा जिले में शुक्रवार को तेज़ हवाओं के साथ कुछ घंटे के लिए मौसम का मिजाज बदल गया। तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे, हालांकि बीच में हल्की सी धूप भी खिली हुई थी। दिन के 11 बजे के बाद तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। मधुबनी में 2 दिनों की तेज़ धूप के बाद शुक्रवार को मौसम में बदलाव आया है। जिले में धूप व छाँव है, बदली भी छाई है, हालाँकि बारिश नहीं हो रही है। तापमान में गिरावट आई है। मुजफ्फरपुर जिले में शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदल गया। आंधी के साथ बारिश हुई। अल सुबह मौसम सामान्य था। 10:30 बजते ही आसमान में बादल छाने लगे। इसके बाद तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। वही किसानों की परेशानी बढ़ गई है। भागलपुर में अभी तेज़ हवा के साथ बारिश हुई है। नवादा में मौसम साफ है। गया में सुबह से ही कड़ाके की धूप है। रक्सौल जिलों में आकाश में काले बादल मंडरा रहे हैं। तेज़ हवा के साथ बारिश हुई है। समस्तीपुर के मध्य पूर्वा हवा चल रही है, आशंकित बादल छाए हुए हैं। बिहार शरीफ में धूप खिली हुई है, आंशिक बादल है। सासाराम में आकाश में बादल छाए हुए हैं। शिवहर में आकाश में काले बादल मंडरा रहे हैं। बीच बीच में गड़गड़ाहट की आवाज़, तेज पछुआ हवा चल रही है, कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। कटिहार में हल्की हवा चल रही है, मौसम सामान्य है। लखीसराय में धूप छाँव है, बीच बीच में आकाश में बादल गरज रहे हैं। बारिश की संभावना बनती है, फिर हल्की धूप निकल आती है। अररिया में मौसम ठीक है। बेगूसराय में अभी धूप खुली है, हवा भी शांत है। किशनगंज में मौसम ठीक है, धूप खिली है। बांका में धूप है, मधेपुरा में धूप है। सीतामढ़ी में सुबह 10:20 से अचानक तेज बारिश हुई। अभी आसमान बादल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।